हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल वाई एस टेक्निकल दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं आई क्यू का जेड सिक्स लाइट फाइव जी फ़ोन इस फ़ोन को अभी हाल ही में इंडिया में लॉन्च किया गया है आई क्यू जेड सिक्स लाइट फाइव जी फोन को ख़ास तौर पर ऐसे लोगों के लिए पेश किया गया है जो कम कीमत में अच्छी स्पीडों के साथ एक फ़ाइव फ़ोन चाहते हैं वैसे ही अभी तक का ये पहला फ़ोन है जिसमें स्नैपड्रैगन फोर जेन वन का प्रोसेसर यूज़ किया गया है ये फ़ोन दो प्राइस वेरिएंट में आता है पहला चार चौंसठ जी का जो कि चौदह हज़ार तीन सौ रुपये में मिलता है वहीं दूसरी ओर सिक्स जी और वन ट्वेंटी एट जी स्टोरेज के साथ ये फ़ोन साढ़े पंद्रह हज़ार रुपये में आपको मिल जाता है आइए हम जानते हैं इस रिव्यू में कि ये फ़ोन आपके ख़रीदने लायक है या नहीं है बॉक्स ओपन करते ही आपको यूज़र मैनुअल मिल जाता है और इसके साथ आपको एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर मिल जाता है जिसकी क्वालिटी ठीक ठाक है और इसके साथ आपको एक अट्ठारह वाट का चार्जर भी मिल जाता है और इसके अलावा कंपनी ने यह भी ऑप्शन दिया अगर आप चार्जर नहीं लेना चाहते हैं तो आप बिना चार्जर के भी इसको परचेज़ कर सकते हैं और इसके अलावा आपको एक डेटा केबल भी मिल जाती है सी टाइप की और इसके साथ में आपको एक सिम इजेक्टर टूल भी मिल जाता है डिज़ाइन की बात करें तो ये फ़ोन दो कलर में आता है एक स्टेलल ग्रीन और दूसरा मिस्टिक नाइट कलर हालांकि जो इस टेलर ग्रीन है वो ब्लू ज़्यादा दिखाई देता है ये एक फ्लैट डिज़ाइन वाला फ़ोन है बैक पैनल में ग्रेडियंट फिनिश है और जब इस पर लाइट पड़ती है तो ये चमकने लगता है जिसकी वजह से ये फ़ोन ज़्यादा प्रीमियम दिखाई देता है इस फ़ोन का वज़न 194 ग्राम है जो कि हाथ में काफ़ी हल्का महसूस होता है राइट right साइड में पावर और वॉल्यूम बटन कीज दी गई हैं हालांकि देखने में ऐसा लगता है कि पावर बटन को काफ़ी अंदर की तरफ दिया गया है ऊपर की साइड में सिम ट्रे दी गई है नीचे आपको थ्री पॉइंट फाइव हेडफोन जेक और स्पीकर ग्रिल के बीच यू टाइप सी पोर्ट दिया गया है पावर कीज में ही फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है रेक्टेंगुलर साइज में इसमें आपको पीछे कैमरा भी मिल जाता है फ़ोन की फुल बॉडी बहुत ही शानदार और प्रीमियम लुक देती है बैक पैनल पर उंगलियों के निशान भी नहीं आते हैं ओवरऑल इस फ़ोन की डिज़ाइन बहुत ही शानदार है डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.58 इंच का फुल एच प्लस डिस्प्ले मिलता है जो कि 120 ट्वेंटी के रिफ्रेश रेट के साथ आता है डिस्प्ले के साथ 240 फोर्टी का टच सैम्पलिंग रेट और 1080 एट्टी इं का पिक्सल रेजोल्यूशन मिलता है और इसके अलावा इसमें आपको फोर हंड्रेड वन का पी पी आई पिक्सल डेंसिटी भी मिलती है डिस्प्ले के कलर बहुत ही शानदार है इस रेंज में वन टवेंटी हर्ट्स का रिफ्रेश रेट ही इस फ़ोन को दूसरे मोबाइलों से अलग खड़ा करता है हालांकि इसमें आपको सुपर सुपरमोल्ड डिस्प्ले नहीं मिलती है जिसकी कमी आपको खल सकती है फ़ोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन फोर जेनरेशन वन का कोर प्रोसेसर मिलता है जो कि जी पी वे ड्रीन सिक्स हंड्रेड नाइनटीन पर रन करता है इस फ़ोन में एंड्रॉइड ट्व दिया गया है जो कि आई क्यू के ऑपरेटिंग सिस्टम फन टच ट्व पर बेस्ड है इस फ़ोन में आपको पाँच हज़ार एम एच की बैटरी भी मिलती है जो कि अट्ठारह वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है इस फोन में फि फिफ्टी मेगा पिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है जो ए आई ऑटो फोकस और एल ई डी फ्लैश लाइट के साथ आता है फ़ोन में सेकेंडरी कैमरा टू मेगा पिक्सल का मैक्रो लेंस कैमरा दिया गया है सेल्फ़ी के लिए इसमें एट मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी दिया गया है इसका मेन कैमरा बहुत ही शानदार है जिससे आप अच्छी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं डे लाइट की तस्वीरें क्लियर और अच्छी आती हैं लेकिन कलर की थोड़ी कमी रह जाती है कैमरे के साथ एच का भी सपोर्ट है कम रोशनी में कैमरा काफ़ी नोइज़ के साथ तस्वीरें क्लिक करता है कुल मिलाकर कहें तो कैमरे को कंपनी और बेहतर बना सकती थी मगर शायद प्राइस रेंज को कम रखने की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकी अगर बजट में आपको एक फ़ाइव जी स्मार्टफ़ोन चाहिए तो ये फ़ोन आपकी सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है वन ट्वेंटी हर्ट्स के रिफ्रेश रेट और कैमरे की परफॉर्मेंस के हिसाब से भी ये फ़ोन बहुत शानदार है इसके अलावा इसकी बैटरी बैकअप भी बहुत शानदार है जो कि पूरे दिन गेमिंग करने के बाद भी चलती रहती है सोगा इस वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में टेक केयर